हेलो फ्रेंड्स। तो पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अगर आप पाइथन यूज़ करते हो अपने लैपटॉप में या फिर आपके पास जो भी डेस्कटॉप है उसमें, तो आप कैसे हर वक्त अपने लैपटॉप को एक्टिव रख सकते हो। तो आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप कैसे जावा का यूज़ करके हर वक्त एक्टिव रह सकते हो, अपने लैपटॉप को एक्टिव रख सकते हो। और साथ ही साथ अगर आप वर्क फ्रॉम होम कर रहे हो, ठीक है, जनरली जो लोग कर रहे हो उसी के लिए वाली वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि आप ऐसे तो टाइम ही बढ़ा सकते हो अपने सेटिंग में जा करके। पर जो लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं वो कैसे हर वक्त अपने लैपटॉप को एक्टिव रख सकते हैं, और एक्टिव रखने से फ़ायदे क्या होते हैं कि अगर आप किसी भी चीज़ों पर मीटिंग करते हैं, जैसे आपका जूम सॉफ्टवेयर है या फिर आपका माइक्रोसॉफ्ट का टीम्स है, वहाँ पे आप जो भी यूज़ करते हो वाले सॉफ्टवेयर अगर, तो हर वक्त आप अवेलेबल दिखोगे। मतलब इससे ये फ़ायदा होगा कि अगर आपका कोई भी सीनियर पर्सन या मैनेजर जो भी आपके स्टेटस को चेक करता है, तो उसको आप हर वक्त एक्टिव दिखोगे और हर वक्त लगेगा कि आप काम कर रहे हो, अभी आप बिजी हो। आप स्टेटस अवेलेबल की जगह चेंज करके आप बिजी भी रह सकते हो, आपका हर वक्त स्टेटस ऑन रहे, क्योंकि आपका लैपटॉप ऑन रहेगा, आपका टीम्स ऑन रहेगा। देख सकते हो यहाँ पे मेरा टीम्स है नीचे में, वहाँ पे आपको नोटिफिकेशन में एक दिख रहा होगा। मैं आपको टीम्स का मैसेज नहीं दिखा सकता क्योंकि वो प्राइवेसी है, और मैं आपको डेस्कटॉप का स्क्रीन दिखा रहा हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि मैं कौन सी कंपनी का लैपटॉप यूज़ कर रहा हूँ। और मैं एक कंपनी का लैपटॉप यूज़ कर रहा हूँ, इसीलिए मैं इसके इन स्क्रीन रिकॉर्डिंग नहीं कर सकता, क्योंकि मैं इन स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके मैं ट्रांसफ़र नहीं कर पाऊँगा, यहाँ पर USB केबल सारे ब्लॉक होते हैं। तो मैं आपको बताऊँगा कि आप कैसे, मतलब आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो इस तरह के जावा के प्रोग्राम, और आपको सिंपली रन करना है और आपका स्क्रीन जो होगा वो हर वक्त एक्टिव रहेगा। तो अगर आपके पास आपके सिस्टम में पाइथन है तो पाइथन जनरली, अगर आप डेवलपर्स वगैरह हो या फिर डेवलपर नहीं भी हो, तो जनरली जावा जो होते हैं वो आपके प्रोग्राम में रहते हैं, मतलब डेस्कटॉप में। पर अगर आप HR वगैरह हो तो मैं उसके लिए बताऊँगा वीडियोज़, अगर आप कोई भी डेवलपर नहीं हो तो भी आप कैसे हर वक्त ऑनलाइन रह सकते हो, हर वक्त आप वर्क फ्रॉम होम से भी आप हर वक्त एक्टिव रह सकते हो, उसके लिए तो मैं नेक्स्ट पे बताऊंगा। पर आज की इस वीडियो में आपको जावा के लिए बताने वाला हूँ कि आप कैसे जावा का प्रोग्राम यूज़ करके आप हर वक्त एक्टिव रह सकते हो अपने स्क्रीन पे। पर अगर आप देखो जावा के डेवलपर्स हो, अगर आप तो मतलब आप देखो डेवलपर्स ज़्यादातर होते हैं वो 60 से 70% के सिस्टम में जो होते हैं वो जावा के सॉफ्टवेयर इंस्टॉल रहते ही हैं। पर आपके सिस्टम में मतलब है या नहीं वो भी आपको कैसे चेक करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखो आपको सिंपली Windows R टाइप करना है, Windows R टाइप करो तो यहाँ पर आपको रन कमांड ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको लिखना है CMD, CMD से कमांड प्रॉम्प्ट ओपन होता है। तो देख सकते हो यहाँ पे ये मेरा कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो चुका है, और यहाँ पे आपको चेक करना है कि आपका जावा है या नहीं। तो यहाँ पे लिख करना, सिर्फ सिंपली लिखना है जावा और इंटर प्रेस कर देना है। जैसे आप इंटर प्रेस कर देख सकते हो इतने सारे कमांड बता रहे हैं जावा के, जो भी कमांड वगैरह है। तो अभी से आप समझ सकते हो कि मेरे सिस्टम में जावा है। अगर आपका कुछ ऐसा आता है कि ये कमांड नहीं है, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ कुछ सिंपली कमांड लिख करके, देख सकते हो कि नॉट रिकॉग्नाइज एज इंटरनल और एक्सटर्नल कमांड, मतलब कि ये कोई कमांड नहीं है। तो इस तरह के अगर आते हैं आपके, तो फिर आप समझ जाना कि आपका सिस्टम में जो जावा इंस्टॉल नहीं है, तो फिर आप ये वाले प्रोग्राम रन नहीं कर पाओगे। अगर आपको जावा का वर्जन चेक करना है तो वो मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं अभी कौन सा वर्जन यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। बाकी ऐसे तो सिंपली ये एक सिंपल प्रोग्राम है तो आपके हर वर्जन पर काम करेगा। और फिर आप देख सकते हो मैं यहाँ पर जावा का वर्जन जो है 1.8 यूज़ कर रहा हूँ, JDK वाला, ठीक है। तो आप अगर आप इससे वो अब यूज़ करो तो ऑब्वियसली काम करेगा ही, और इससे बिलो यूज़ करो तो काम करेगा, जावा के सिंपल प्रोग्राम है तो काम करेगा। तो मैं आपको बताऊंगा कि आप मैं एक फ़ाइल दिखाता हूँ कि मैं कौन सा फ़ाइल यूज़ करता हूँ, तो वही मैं आपको इस वाली वीडियो में दिखाऊंगा। और आप कैसे उसको आपको सिंपली क्या करना है वो मैं आपको बताऊंगा, कि उसको आपको सिंपली कॉपी पेस्ट करना है, कॉपी पेस्ट कैसे करना है। और वो वाले फ़ाइल को मैं गिटहब वगैरह पे दे दूंगा, तो आप वहाँ से भी ले सकते हो। पर वहाँ पे क्या होगा कि ये देखो ले जो कंपनी के लैपटॉप्स होते हैं वहाँ पे आपके ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर जैसे कि आपका गिटहब है वो ब्लॉक होते हैं, तो वो ब्लॉक होते हैं तो आप वहाँ से कॉपी पेस्ट नहीं कर पाओगे, आपको सिंपली लिखना पड़ेगा। पर चूंकि प्रोग्राम जो होता है वो आपका केस सेंसिटिव होता है, तो मतलब आपको ध्यान से लिखना है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और मैं आपको बताता हूँ कि मेरा कौन सा प्रोग्राम मैं रन करता हूँ जिससे मैं हर वक्त एक्टिव रहता हूँ टीम्स पर। और आप भी ऐसे प्रोग्राम्स लिख करके आप भी हर वक्त एक्टिव, अगर आप रहना चाहते हो घर से काम कर रहे हो तो आप भी हमेशा रह सकते हो एक्टिव। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं कि आप कैसे यहाँ पे एक्टिव रह सकते हो हर वक्त, और आप सिंपली कैसे जावा का प्रोग्राम भी रन कर सकते हो। देख सकते हो यहाँ पे मैंने एक फोल्डर बना लिया है अपने नाम का डॉक्यूमेंट्स के अंदर, और उसके बाद स्टॉप के अंदर, क्योंकि मैं चाहता तो इसको डेस्कटॉप पे रख सकता था, किसी भी लोकेशन पर रख सकता था। पर वहाँ पे क्या होता है आपको शेयरिंग वगैरह स्क्रीन शेयर करना पड़ता है ज़्यादातर, तो आप कुछ ऐसे फोल्डर में रखो जिससे आपका ये हिडन रहे, ठीक है। मतलब आपको जनरली इस वाले फोल्डर को ओपन नहीं करना पड़े, इस तरह से इस जगह पर आप रख सकते हो। तो डॉक्यूमेंट्स में जनरली कोई शेयर नहीं करते, तो आप डेस्कटॉप शेयर में रखते हो ज़्यादातर चीज़, या फिर आप डाउनलोड में देखते हो जब भी आप स्क्रीन शेयर करते हो, तो
डॉक्यूमेंट्स तो बहुत ही कम चीज़ आप लोग देखते हो, पर फ्री डॉक्यूमेंट अगर कोई देखता है तो वहाँ भी एक एआर का फोल्डर रहेगा, तो ऑब्वियसली कोई भी नहीं चेक बोलेगा चेक करने के लिए कि आपको एआर का फोल्डर ओपन करो। तो आप इस तरह से फोल्डर बना सकते हो कुछ भी अपने नाम का, फिर कुछ पर्सनल ऐसे करके पर्सनल लिख सकते हो, सर्टिफिकेट लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो, और वहाँ पर आप इस वाले फाइल को रख सकते हो। ठीक है, तो ये जावा का फाइल है, ये फाइल मैं आपको गिटहब पे अपलोड कर दूंगा, तो वहाँ से आप देख लेना, वहाँ से आप अपने पर्सनल लैपटॉप में या मोबाइल में ओपन करके वो सेम कोड जो है वो आप उधर कॉपी पेस्ट कर लेना। मैं आपको इसको कोड ओपन करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे देखो एडिट में जाता हूँ और ये देखते हो ये जो है ये मेरा कोड है। ठीक है, अब कोड में मैं क्या करूँ, देखो यहाँ पे दो चीज़ यूज़ कर रहा हूँ, एक AWS पैकेज है और एक यूटिल जो कि आप जनरली यूज़ करते हो किसी भी, मतलब यूटिल जो सॉफ्टवेयर, यूटिल जो आपका पैकेज है वो आपका सिस्टम डॉट प्रिंट के लिए भी है और भी बहुत सारे इसमें डॉट स्टार में कर रहा हूँ, तो इसमें जितने भी पैकेज है यूटिल के अंदर बहुत सारे पैकेज आपके आ जाएंगे। तो यहाँ पे देख सकते हो मैं प्रिंट भी कर रहा हूँ, अगर आप नहीं चाहते प्रिंट करना तो आप इसको हटा भी सकते हो, ये जो आपके यहाँ पे लाइन दिख रहे हैं एक सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटर और यहाँ आउट डॉट प्रिंटर। अब ये क्या करते हैं मैं आपको बताता हूँ, देखो कोई भी प्रोग्राम रन होता है तो उसका आपके क्लास का फाइल का नेम दोनों सेम होना चाहिए, तो आप इसमें चेंजेस मत करना, क्योंकि देखो अगर आप इसमें चेंज करोगे फाइल के नेम, जैसे मैंने स्टॉप इट रख रखा, अगर आप इसको कुछ अपने नाम से रखना चाहते हो तो आपको फिर यहाँ पे क्लास में भी चेंजेस कर देने होंगे, क्योंकि ये दोनों सेम रहना चाहिए तभी आपका जावा का प्रोग्राम रन हो पाएगा। उसके बाद यहाँ पे मेन मैथड कॉल होता है, क्योंकि जब भी आप किसी भी प्रोग्राम को रन करते हो तो आपका मेन मैथड जो होता है वो आपका कॉल होता है। यहाँ पे एक्सेप्शन भी मतलब थ्रो कर रहे हैं, पर आप जनरली तो एक्सेप्शन यहाँ पे होगा नहीं कोई, फिर भी मैं ऐसे ही थ्रो कर दे रहा हूँ, अगर आप चाहते हो तो इसको भी हटा सकते हो, पर आप रहने देना जो भी है सेम चीज़ें। और यहाँ पे एक रोबोट है, रोबोट क्या करता है आपका यही जो है वो मैनेज करेगा आपके माउस को। ठीक है, तो यहाँ पे और एक मैं रैंडम वाले लेता हूँ कि रैंडम पोजीशन यहाँ से ये इधर उधर मतलब रन करेगा। ठीक है, तो रैंडम पोजीशन ले लेगा कि जैसे आप ये आपका पॉइंटर है इसकी पोजीशन ले लेगा, और उसके बाद क्या कर रहा है मैं आपको बताता हूँ, देखो उसके बाद क्या कर रही है, इसके पॉइंटर की लोकेशन दे दे रहा है, और यहाँ पे इसको मैं प्रिंट कर ले रहा हूँ कि ये पॉइंटर की लोकेशन क्या क्या है वो आप प्रिंट कर दो, उसके बाद से मैं इसको चेंज कर दे रहा हूँ। अब देखो चेंज क्या कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे पोजीशन को लेकर मैं 1 पिक्सल बढ़ा दे रहा हूँ इधर, और यहाँ पे 1 पिक्सल मैं नीचे हटा भी दे रहा हूँ। ठीक है, मतलब माइनस कर दे रहा हूँ। उसके बाद से यहाँ पे फिर मैं चाहता हूँ इसका पोजीशन लेना, और इस पोजीशन को मैं फिर से प्रिंट करना चाहता हूँ, मतलब ये ओरिजिनल पोजीशन क्या थी और यहाँ पे ये मेरी चेंज वाली पोजीशन क्या थी, ये मैं प्रिंट कर रहा हूँ। प्रिंट आप जिस तरह से भी कर सकते हो, यहाँ पे अपने आप स्ट्रिंग वगैरह भी दे सकते हो, तो आप इसमें अगर आप सिंपल प्रोग्रामर तो आप ऑब्वियसली चेंज कर ही सकते हो। ठीक है, उसके बाद से आपको बस सिंपली इसको रन करना है, इसको रन कैसे करना है वो मैं आपको दिखाता हूँ। देखो तो मैं इसको बंद कर देता हूँ, आपको मैं ये कोड शेयर कर दूँगा गिटहब पे, तो वहाँ से आप ले सकते हो, आपको यहाँ पे आप देख ही सकते हो। पर यहाँ पे एक चीज़ का आप ध्यान देना कि देखो जैसे आपको जो चीज़ें स्मॉल लेटर में है वो आपको स्मॉल में लिखना है, जो चीज़ जैसे यहाँ पे न्यू रोबोट है, तो आप ऐसा नहीं कि आर को आप स्मॉल में लिख दोगे फिर बोलोगे आपका प्रोग्राम काम नहीं कर रहा है। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना आपको, आपको मतलब ये केस सेंसिटिव होता है प्रोग्राम से आपको पता है, तो आपको जिस तरह से लिखा हो जो स्मॉल में वो स्मॉल में लिखना है, आपको जो कैपिटल में वो कैपिटल में लिखना है। आप अपने नाम दे सकते हो यहाँ पे, नाम आप कुछ भी दे सकते हो यहाँ पे, तो इसका कोई मैटर नहीं करता उतना। अभी के लिए मैं इसको बंद कर देता हूँ और मैं आपको दिखाता हूँ इसको रन कैसे करना है। ठीक है, आप प्रोग्राम देख ही लोगे, तो रन करने के लिए आपको सिंपली यहाँ पे देखो इससे यहाँ पे CMD ओपन कर लेना है, CMD आप यहीं पर ऊपर में जा करके और रन कर सकते हो। देखो अगर आपको नहीं समझ में आया कि आपको यहाँ पे कैसे CMD में आया, तो देखो यहाँ से आपको इस पर क्लिक करना है। ठीक है, इस वाले ऊपर वाले बार में जहाँ पे एड्रेस बार होता है आपका, यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको सिंपली लिख देना है CMD। CMD के बाद इंटर करोगे तो आपका ये CMD ओपन हो जाएगा, इसी फोल्डर में ओपन हो जाएगा। देखो यहाँ पे डायरेक्ट मैं इस फोल्डर में आ चुका, पर अगर आप सी वगैरह में ओपन करें, जैसे अभी मैं विंडोज़ और CMD रन करके दिखाता हूँ, यहाँ पे आप देखोगे कि सी यूजर्स में ये ओपन हो रहा है, पर यहाँ पे देखो डॉक्यूमेंट्स में AR में इस तरह से ओपन हो रहा था। आप यहाँ से आ सकते हो CD डॉक्यूमेंट्स, फिर CD AR, या फिर आप डायरेक्ट पाथ दे करके आ सकते हो, तो आपको जैसे प्रीफर करना, आपको मतलब मेनली इस वाले फोल्डर में आना है। ठीक है, इस वाले फोल्डर में आने के बाद आपको क्या करना है, देखो यहाँ पे आपको सबसे पहले जावा के प्रोग्राम को कंपाइल करना पड़ता है, तो ठीक है आपको लिखना है एक एक कोड है Java C, उसके बाद आपको फाइल का नाम, तो फाइल का नाम है स्टॉप इट, और देखो जो भी मेरा कैपिटल है उसको मैं कैपिटल लिख रहा हूँ, जो स्मॉल है इसको स्मॉल लिखना हो। ठीक है, तो स्टॉप इट डॉट जावा ये लिखना है आपको, उसके बाद आपको सिंपली रन करना है, आपको जूम करके दिखा देता हूँ, ये रन करना है। जैसे आप रन करोगे तो यहाँ पे देख सकते हो मैं रन ख़त्म हुआ है और इधर यहाँ पे एक क्लास बन चुका है। ठीक है, ऊपर मैं आपको दिखाता हूँ, देखो यहाँ पे एक क्लास बन चुका है, ये अभी बना है, मैं आपको फिर से दिखाता हूँ मैं इसको डिलीट करके। ठीक है, आपको वैसे आइडिया होगा ही कि ये कैसे काम करता है, पर फिर भी मैं आपको शो कर देता हूँ वापस से। ठीक है, यहाँ पे देखो Java C, और ये जैसे ही मैं रन करूँगा यहाँ पे एक क्लास वाली फाइल बन गई। जैसे आपकी क्लास वाली फाइल बन जाती है तो फिर आपको यहाँ पे फिर से जावा और अब सिर्फ की सिंपली क्लास का नाम लिखना है। ठीक है, तो क्लास का नाम भी मेरा स्टॉप इट ही बनेगा, तो स्टॉप
इट, ठीक है। यहाँ पे बस सिंपली जावा स्टॉप इट देख सकते हो, ये आपको लिखना है दूसरा वाला, और जैसे ही आप रन करोगे तो ये आपका रन होना स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। अब ये रन हो जाएगा और ये आपको पहले मैंने टाइम सेट कर रखा 1 मिनट का, तो ये आपका 1 मिनट पे रन होगा, पर मैं उस टाइम को मैं माइनस करता हूँ अभी के लिए, मैं थोड़ा कम करता हूँ टाइम को, आप वापस 1 मिनट कर लेना। तो मैं यहाँ पे कंट्रोल सी से आप इसको स्टॉप भी कर सकते हो, तो कंट्रोल सी जैसे मैं टाइप करता हूँ तो ये मेरा रनिंग स्लिप जो है वो स्टॉप हो चुका है, और मैं आपको उसको पहले मैं चेंजेस करूँगा थोड़े से, उसके बाद मैं आपको दिखाऊँगा। तो मैंने 1 मिनट का रख रखा, अगर आप चाहते हो टाइम को तो आप जितने मिनट का चाहते हो उतना रख सकते हो, सेकंड में रख सकते हो, ठीक है। तो जनरली देखो जो आपके लैपटॉप होते हैं वो 2 से 3 मिनट में ऑफ हो जाते हैं, तो आपने टाइम के हिसाब से अपना आप चेंज कर सकते हो। और ये जो यहाँ पे देखो DLA मैंने लगा रखा है 60, तो ये आपका क्या होता है, ये मिली सेकंड में होता है, तो मिली सेकंड को सेकंड में कन्वर्ट के लिए 1000 पर सेकंड हो गया। अब सेकंड को मिनट में कन्वर्ट करने के मैंने 60 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हर मिनट में ये चेंज करता, पर अगर आप चाहते हो सेकंड में चेंज करना, तो आप सेकंड में कैसे कर सकते हो, तो आपको बस इस 60 स्टार को हटा देना। तो मैं चाहता हूँ 1 सेकंड में चेंज करना, तो 1 सेकंड तो मतलब ज़्यादा हो जाएगा, तो यहाँ पे मैं 5 सेकंड का लगा देता हूँ, ठीक है। तो मैं 5 कर देता हूँ स्टार, तो 5 सेकंड में, और मैं इसको सिंपली सेव कर देता हूँ, और सेव करने के बाद वापस से मैं रन कर देता हूँ सेम प्रोग्राम, ठीक है। रन करने के लिए आपको पहले लिखना है जावा सी, उसके बाद से स्टॉप इट डॉट जावा, और दूसरी बार में लिखना है जावा स्टॉप इट, ठीक है। दोनों आप कमांड याद रख लेना, और मैं आपको दे भी दूंगा, दो ही आपको कमांड रन करने हैं, तो जावा स्टॉप इट, जैसे मैंने ये रन कर किया तो आप देख सकते हो यहाँ पे ये रन कर रहा है, और यह हर 5 सेकंड में रन कर रहा है। तो देखो अभी आपको क्लियरली पता चल रहा है कि ये क्या कर रहा है, तो ये ओरिजिनल पोजीशन दे रहा है माउस के पॉइंटर की, देखो ओरिजिनल पोजीशन जितनी है उतनी दे रहा है, वापस ये चेंज करके देख सकते हो यहाँ पे ये चेंज कर रहा है, तो वो 1-1 माइनस कर रहा है, फिर ये ओरिजिनल पोजीशन दे रहा है, फिर ये माइनस कर रहा है, ऐसे करके चलता रहता है। अब मैं चाहूँ तो इसको मैं और भी पॉइंटर को और ज़्यादा मैं बढ़ा सकता था, मान लो 50 कर सकता था, 60 कर सकता था, पर उससे क्या होगा, उससे दिक्कत ये होगी कि पॉइंटर आपको मतलब इधर उधर ज़्यादा करेगा, तो ऑब्वियसली मतलब एक इनसेन टाइप से लगेगा, इसलिए मैं नहीं क्या हूँ मैं, आप अगर आप चाहते हो तो उसको मतलब +1 को करके आप +50 वगैरह कर लेना जो भी। तो ये आपका क्या करता है, माउस के पोजिशन को धीरे धीरे चेंज करता रहता है, तो इससे आप हर वक्त एक्टिव रहोगे। और देखो ये हर 5 सेकंड में रन करो, आप अगर हर मिनट में कर दोगे तो हर मिनट में ये रन करता रहेगा, आप कितनी देर देर के लिए आप बाहर हो कहीं पे भी, आप दूसरे लैपटॉप पे काम कर रहे हो कुछ भी कर रहे हो, तो आपका ये रन करता रहेगा, आपका स्क्रीन कभी भी ये ऑफ अब नहीं होगा, क्योंकि ऑब्वियसली ये आपका प्रोग्राम चल रहा है, ये समझा कि कोई भी यहाँ पे लैपटॉप यूज़ कर रहा है, तो आपका ये डेस्कटॉप तो ऑफ होने वाला है नहीं। अब एक चीज़ आप ध्यान रखो कि सपोज मान लो आपको किसी का कॉल आ जाता है, ठीक है, इसी टाइम पे, तो आप फिर कैसे पिकअप कर पाओगे, क्योंकि वो दिखा है कि आप अवेलेबल हो पर आप कॉल नहीं उठा पा रहे हो, तो इस तरह से दिक्कत होगा। तो आप मतलब अभी इसी वक्त अगर आप पास में रहो, अपने लैपटॉप पे काम कर रहे हो या फिर अपना मोबाइल यूज़ कर रहे हो, तो आप इसको रन करके लगा सकते हो। दूसरी चीज़ आपको याद रखना है कि आपको हमेशा वाईफाई से कनेक्टेड रहना, जो कि आप जानते ही हो गए, तो वाईफाई से कनेक्टेड रहना तभी आप एक्टिव दिखोगे, नहीं तो फिर कैसे दिखोगे एक्टिव। तो आप एक अलग वाईफाई लगा लेना या फिर आप दूसरे का हॉटस्पॉट ले लेना, अपना मोबाइल आपका फ्री हो जाएगा, अपने लैपटॉप में जो करना चाहते हो करो, अपने मोबाइल में आप जो भी करना चाहते हो करो, आप हर वक्त एक्टिव रहोगे। जब आपका कॉल आएगा तो अपने लैपटॉप की तरफ आना, आप कॉल उठा लेना, फिर आप कॉल कट के मतलब अगर आपका काम नहीं हो तब भी आप एक्टिव रहोगे, और कोई मतलब इससे इंप्रेशन बनता है थोड़ा सा कि हाँ हर वक्त ये मतलब एक्टिव रहता है, हर वक्त ये काम करता है। तो ये सारी चीज़ें मतलब बता रहा हूँ, अगर आप वर्क फ्रॉम कर रहे हो तो आप ये टिप्स यूज़ कर सकते हो, ठीक है, ये बहुत आपके काम आने वाली है। तो आप इस तरह से यूज़ करके आप हमेशा एक्टिव रह सकते हो, और किसी को पता भी नहीं लगेगा आप क्या करो। पर जब भी आप ध्यान रखो, जब भी आपको मैनेजर का कॉल आता है तो आपने ये तो देख लिया, ठीक है, कि ये कैसे रन करता है, तो जब भी आपको मैनेजर का कॉल आता है तो आपको हमेशा याद रखना कि कॉल उठाने से पहले इस स्क्रिप्ट को बंद कर देना। अभी देखो आपको मतलब इस स्क्रिप्ट को तो आप स्टॉप कर ही लोगे, फिर आपको फोल्डर को भी बंद कर देना है, ठीक है। फोल्डर को बंद करने के बाद आपको ये मेरा डेस्कटॉप का स्क्रीन दिख जाएगा, वो मैं नहीं आपको दिखाना चाहता हूँ, ठीक है। तो आप फोल्डर को बंद करना, उसके बाद आप कॉल पिकअप करना, क्योंकि आप कॉल पिकअप करते हो उसके बाद वो बोलेंगे कि स्क्रीन शेयर करो, ठीक है, तो आप हो सकता है आप भूल जाओ इसको बंद करना, तो फिर दिक्कत हो जाएगी, ये वाला क्या चला रहे हो आप, ये वाले स्क्रिप्ट क्यों रन कर रहे हो। तो ये सारी चीज़ें हैं आप मतलब यूज़ करके पढ़ा सकते हो, और ये प्रोग्राम सिंपल आप चाहो तो अपने डेस्कटॉप में भी ट्राई करके चेक कर सकते हो कि आपका ये काम कर रहा है या नहीं, ठीक है। तो पहले आप अपने डेस्कटॉप में भी चेक कर सकते हो, वापस से उधर रन कर सकते हो, ठीक है। और दूसरी चीज़ इसमें कुछ भी चेंजेस ज़्यादा मत करना, क्योंकि आपके ये सिस्टम्स के आपके जो भी कंपनी के है, इसमें अगर आप कुछ भी प्रोग्राम में लगा देते हो, कुछ भी चेंज कर देते हो, उससे आपका हो सकता है मान लो कि बैट फाइल वगैरह का आपको देखते हो प्रोग्राम, वो अगर आप यूज़ कर सकते हो सकता है वो बैट फाइल में आपका कुछ ऐसा प्रोग्राम हो जो आपके ये हार्डवेयर को सॉरी मतलब आपके ड्राइव को डिस्क को फॉर्मेट कर दे, तो ये सारी चीज़ में दिक्कत हो जाएगी।
इसलिए तो मतलब आप अपने रिस्क पे जो भी करना, पर ये जो प्रोग्राम मैं आपको दे रहा हूँ ये एकदम सेफ़ है, ठीक है, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली, आप सिंपली रन करके यूज़ कर सकते हो और जाओ आप मतलब मस्त काम करो अपना और एक्टिव रहो, ठीक है। और क्या, बस यही एक ट्रिक्स है। आप देखो ऑब्वियसली ये काम नहीं रहता तो आप क्या करोगे ऑनलाइन रख, तो अपना मतलब अब मैं ये प्रोग्राम बना रहा हूँ, देखो अब क्या करोगे आप, हर वक्त काम तो करोगे नहीं, मतलब ऑब्वियसली इतना तो काम रहेगा नहीं कि आप हर वक्त ही बिजी रहो बिजी रहो बिजी रहो। आपको हो सकता है कि काम नहीं हो, काम नहीं हो तो फिर आप वापस से क्यों लैपटॉप बैठे रहोगे कि सिर्फ एक कॉल के लिए, एक कभी भी कॉल आ जाए, और फिर अगर कॉल आ जाता है तो फिर आप डेस्कटॉप को ऑन करो, फिर मतलब पासवर्ड डालो, ओपन करो, ठीक है। ऊपर से मैनेजर पे भी इफेक्ट जाता है कि वो कभी एक्टिव नहीं रहता है, तो इसीलिए आप ये वाले प्रोग्राम ये वाले ट्रिक्स यूज़ कर सकते हो, बाकी और कोई दिक्कत नहीं है। तो बस यही था आज की वीडियो, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब ऑब्वियसली कर देना, आप कर ही दोगे। और अगर आप लोग एचआर मैनेजर हो या फिर आप मतलब कोई और जो आप डेवलपमेंट में नहीं हो, ठीक है, जैसे आपको प्रोग्रामर नहीं जानते हो, आप कुछ कोडिंग वगैरह नहीं जानते हो, तो फिर आप कैसे आप फिर भी एक्टिव रह सकते हो, तो उसका ही मैं वीडियो आपको बताऊंगा कि वो वाले वीडियोस कैसे आप एक्टिव रह सकते हो। पर वो वाले वीडियोस ऑब्वियसली नेक्स्ट वाली वीडियो बताऊंगा, ये वाली वीडियोस काफ़ी लंबे हो चुके हैं, मैं फालतू की बकवास से कर रहा था उतनी देर से, जबकि ये वीडियोस बन सकता था 4-5 मिनट, पर कोई बात नहीं, आप लोग देख लिए होंगे, आपको बहुत सारी चीज़ें मैंने बताई इस वाली वीडियो में, सिर्फ प्रोग्राम ही नहीं बताया, आपके ट्रिक्स मैंने बताया कि आप कैसे आप एक्टिव रह सकते हो, हर चीज़ों को मतलब ईजिली हैंडल करना, ठीक है। और मतलब ऐसा नहीं कि आप पकड़े जाना कि यार ये तो बोट यूज़ कर रहा है या फिर ये ऑटोमेटिक प्रोग्राम यूज़ कर रहा है, ये सारी चीज़ें मत करना। और टाइम का आप चाहो तो आप टाइम को बढ़ा लेना, ठीक है। और मैं आपको इसका अपलोड कर दूंगा अपने गिटहब प्रोफाइल पे, जिसका लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो आप वहाँ से भी कॉपी पेस्ट कर सकते हो प्रोग्राम को, ठीक है। और अब ध्यान रखना कभी जब भी कॉपी पेस्ट करो केस सेंसिटिव रख लेना, बस और ज़्यादा बात नहीं करूँगा अब, अभी के लिए टाटा बाय बाय।